अस्सलामुअलैकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। ये खबर है मुंब्रा से ठाणे तक, जो मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन द्वारा मध्य रेलवे के अंतर्गत पांचवी और छठी लाइन का जो काम किया जा रहा है। इस काम के चलते पिछली मंगलवार की शाम 7:30 बजे के दौरान रेती बंदर परिसर में एक दुर्घटना हुई। हालांकि आम नागरिकों में से इस दुर्घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ, उनका कोई संबंध नहीं आया, मगर काम करने के दौरान एक क्रेन का चालक, उसके साथी और एक आरएमसी की जो गाड़ी आती है, सीमेंट मिक्सर की गाड़ी, आरएमसी जिसे कहा जाता है, वो गाड़ी का ड्राइवर, चालक और उसका सहायक, ये सभी जो है क्रेन और आरएमसी की इस बड़ी गाड़ी के साथ खाड़ी में गिर गए। आप वीडियो में देखेंगे कि कितने भयानक तरीके से ये क्रेन खाड़ी में पलटी हुई है, किस तरह से जो है आरएमसी की गाड़ी पलटी हुई है। ये तो इन क्रेन चालक और गाड़ी चालकों का, आरएमसी की गाड़ी चालकों और उनके सहायकों का नसीब अच्छा समझा जाए, उनकी खुशकिस्मती कि खाड़ी में उस वक्त जो है भर्ती नहीं थी, पानी चढ़ने की शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें फौरन वहां से निकालने में, ये काम करने वाली जो निजी कंपनी है जिसको ये काम करने का ठेका दिया है मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन ने, साईदत्त इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, इस कंपनी के लोग ये थे, इनको निकाल लिया गया है। आरएमसी की कंपनी अलग है, उन्होंने भी अपने लोगों को निकाल लिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो रेती व्यवसायी लोग थे, जो मछली पकड़ने का व्यवसाय करते थे, अन्य व्यवसाय करते थे, ऐसे जो भूमिपुत्र है आगरी समाज के कई लोग, इन आगरी समाज में से कुछ लोगों ने जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो है चौपाटी का काम और पांचवे छठे मार्ग का जो काम चल रहा है, रेलवे ट्रैक डालने का जो काम चल रहा है, उसमें किस तरह से जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से जो है नेचुरल कैलामिटीज को जो है खत्म करने का काम किया जा रहा है, उसके संबंध में शिकायतें उन्होंने की थी, जिसमें थाने कलेक्टर का बेलेबल वारंट तक एनजीटी के जजेस ने जारी किया था। तो फिर जाकर के कलेक्टर ने हाजिर होकर के वो वारंट रद्द करा लिया था। अभी भी एनजीटी में इस मामले की सुनवाइयां चल रही है। तो यहाँ पर इन लोगों का आरोप था कि चौपाटी के निर्माण के लिए और ये पांचवे छठे ट्रैक के निर्माण के लिए, वहां पर जो जमीन समतल की जा रही है, जो पाइलिंग का काम किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर खाड़ी में जो है अवैध रूप से मिट्टी की भरनी करके खाड़ी को कम किया जा रहा है, खाड़ी को जो है हड़प किया जा रहा है, और उस तरीके का जो है काम खुद सरकार, मध्य रेलवे, ठाणे महानगर पालिका, ये सब कर रहे हैं। अब जिनका काम है कानूनन काम करने का और कानून बनाए रखने का, वही अगर कानून का भंग करते हैं और विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के लिए इस तरीके का अवैध काम करते हैं, तो क्या कहा जाए, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब दुर्घटना की हम बात करें तो दुर्घटना इसलिए हुई, लैंडस्लाइडिंग हुई वहां पर, बड़े हिस्से में लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग होने का कारण यह कि इन्होंने जो काम साईदत्त इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के लोग जो वहां पर कर रहे हैं, उन्होंने जो भरनी की वहां पर, वो भरनी कच्ची थी, गीली थी, उसको जमने नहीं दिया गया था, उसको एक रूप नहीं होने दिया गया था। उस वजह से वहां पर जैसे ही क्रेन उस कच्ची और गीली भरनी पर चढ़ी, आरएमसी की गाड़ी जैसी चढ़ी, उसके वाइब्रेशन से जो है लैंडस्लाइड हुआ और ये सब जो है क्रेन, आरएमसी की गाड़ी, चालकों और सहायकों समेत नीचे जा गिर पड़ी। वहां पर हमसे साईदत्त इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक अधिकारी ने बड़े बदतमीजी तरीके से बात करने की कोशिश की कि इसमें क्या खबर है और इसमें क्या पत्रकारिता है। इस खबर के बाद उनको समझ में आएगा कि क्या पत्रकारिता है और जो नियमों की अनदेखी की जा रही है। काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। पांचवा छठा मार्ग जो है वो कोपर, दीवा, ठाकुरली, मुमरा, कलवा, इन सभी मध्य रेलवे के स्थानकों से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बेहद जरूरी भी है, लेकिन क्या नियमों को पालन किए बगैर आप कोई सुविधा नहीं दे सकते? ये एक विचार करने वाली बात है, ये एक सोचने वाली बात है। और जानों से क्यों खेल रहे हैं आप? भले आम जनता वहां अभी नहीं जा रही है, लेकिन जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो गाड़ियों के, क्रेन के, जेसीबी के चालक वहां काम कर रहे हैं, आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरह से 30 फीट लंबा पाइलिंग का पाइप उखड़ करके खाड़ी के अंदर चला गया है, उसको केबल से बांधा गया है। मंगलवार दुर्घटना के फुटेज आप देखेंगे, उसके बाद गुरुवार को दिन में हमने इन्होंने क्रेन से कैसे, बड़ी क्रेन से वो छोटी गिरी हुई क्रेन को बाहर निकाला है। आरएमसी की गाड़ी अभी भी पानी में कहां तक डूबी हुई है, खाड़ी में भर्ती जो अभी भी कायम है और पानी उतरा नहीं है।
ऐसी स्थितियों में काम करवाना यानी मजदूरों की और वहां पर काम करने वाले सभी वर्करों की जान से खेलने के बराबर है। क्या मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन ये नहीं देख रहा है? क्या मध्य रेलवे और उसके अधिकारी ये नहीं देख रहे? DRM ये नहीं देख रहे? मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहार जी से हमारा नम्र निवेदन है कि जिस तरह से उन्होंने पांचवें छठे मार्ग के काम की देरी को लेकर के मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन के अधिकारियों को जो आड़े हाथों लिया था, उसी तरह से हम उनसे अनुरोध करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस लापरवाही की और नियमों की अनदेखी की वो जो है गंभीर रूप से जो है इसका संज्ञान लेकर के इसको तुरंत रोक लगाए और यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने का जो काम किया जा रहा है, विकास और डेवलपमेंट की आड़ में जो काम किया जा रहा है, उसको तुरंत रोक लगाए और इस तरह की भविष्य में कोई दुर्घटना न हो। यहाँ काम करने के दौरान वर्कर्स, मजदूर, जो भी दूसरे सेक्शंस के वर्कर्स हैं, प्राइवेट ठेकेदारों के ही वर्कर्स क्यों न हो, उन सबकी जान की हिफाजत, सुरक्षा वहाँ बनी रहे, इस पे पहले प्राथमिकता दी जाए। तो ये वीडियो आप देख करके समझेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर नियमों की अनदेखी की जा रही है। रेती बंदर परिसर से गुजरने वाले मध्य रेलवे के अंतर्गत बन रहे मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन द्वारा बनाए जा रहे पांचवें छठे ट्रैक के काम के कॉन्क्रीटाइजेशन के वक्त RMC की गाड़ी और क्रेन एक किस तरह से खाड़ी में गिरी, कितनी लापरवाही हो रही है, नियमों की अनदेखी हो रही है, पर्यावरण को जो है एनवायरमेंट को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। रेलवे में जासिर शेख की जो खबर हमने आपको बताई थी वो भी मंगलवार का ही वाकया था, उस वाकये की खबर आप तक पहुंचाने की और MS कॉलेज के छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था वो खबर आप तक जल्द पहुंचाने की वजह से ये खबर हम आप तक देरी से पहुंचाए हैं, उसके लिए हम आप सभी दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और हम चाहेंगे कि सभी कलवा, मुमरा, कौसा के लोग जो है इस ओर ध्यान देंगे, क्योंकि पर्यावरण बचा रहेगा तो मानवीय जीवन बचा रहेगा, मनुष्य जीव बचा रहेगा और हर पर्यावरण का संतुलन जो है मानवीय जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है, इसको भी समझना ज़रूरी है, इसकी अहमियत दिखाने वाली ये थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।